दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि TSMK2 को लेकर अब तक कई अपडेट आ चुकी हैं, जिसमें से किसी में TSMK2 के विंग को लेकर अपडेट आया था और किसी में TSMK2 के कनार्ड को लेकर अपडेट आया था। तो दोस्तों, आज मैं TSMK2 के लेकर जो नई अपडेट आई है उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी तक पहुँच सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, TSMK2 का फाइनल डिज़ाइन 2021 के शुरुआती महीनों में फ्रीज कर दिया जाएगा और दोस्तों, एरो इंडिया 2021 में TSMK2 का फाइनल डिज़ाइन शोकेस किया जाएगा और इस डिज़ाइन के मुताबिक TSMK2 की फ्यूल कैपेसिटी बढ़ाकर 7178 केजी कर दी गई है। लेकिन दोस्तों, इस फ्यूल कैपेसिटी को एक्सटर्नल ड्रॉप टैंकर इस्तेमाल कर बढ़ाया जाएगा, जिसमें F1 F2 F3 ड्रॉप टैंकर इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों, F1 F2 F3 ड्रॉप टैंक को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल किया है। और दोस्तों, F1 ड्रॉप टैंक की फ्यूल कैपेसिटी 874 केजी होगी, वहीं दोस्तों F2 ड्रॉप टैंक की फ्यूल कैपेसिटी 590 केजी होगी और F3 ड्रॉप टैंक की फ्यूल कैपेसिटी 700 केजी रहेगी। और दोस्तों, TSMK2 के राइट विंग और लेफ्ट विंग के ड्रॉप टैंक की फ्यूल कैपेसिटी 612 केजी होगी और इसके अलावा सेंटर लाइन ड्रॉप टैंक की फ्यूल कैपेसिटी 1040 केजी होगी और विंग माउंटेड IB ड्रॉप टैंक, जो कि विंग के दोनों तरफ रहेगा, उसकी कुल कैपेसिटी 2720 केजी होगी। इस तरह दोस्तों, TSMK2 की फ्यूल कैपेसिटी बढ़ाकर 7178 केजी होगी। वहीं इससे पहले TSMK2 के डिज़ाइन के मुताबिक TSMK2 की फ्यूल कैपेसिटी 3500 केजी थी। और दोस्तों, फ्यूल कैपेसिटी बढ़ने से TSMK2 की कॉम्बैट रेंज और फ्री रेंज बढ़ जाएगी और TSMK2 लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में किसी भी तरह का ऑपरेशन कर पाएगा। वहीं दोस्तों, TSMK2 की मेटल कटिंग 2021 के मिड से शुरू हो जाएगी और दोस्तों, HAL के अनुसार पहला एयरक्राफ्ट अगले 18 महीनों में तैयार हो जाएगा, जिसकी फर्स्ट फ्लाइट 2022 के अंत तक या 2023 के शुरुआती महीनों में हो जाएगी। और दोस्तों, ये फाइटर जेट मिराज, जगुआर और MiG-29 को अपनी परफॉर्मेंस से रोल आउट कर देगा। और दोस्तों, TSMK2 2040 तक भारतीय वायुसैनिक फ्लीट में से 50 मिराज, 2000 फाइटर जेट और 80 अपग्रेडेड MiG-29 जेट्स और रिटायर MiG-27 और जगुआर एयरक्राफ्ट फ्लीट की जगह TSMK2 लेगा। और दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स को कम से कम TSMK2 के 250 यूनिट की जरूरत होगी इन रिटायर जेट्स को भरने के लिए। वहीं दोस्तों, TSMK2 के लिए DRDO पूरा वेपन पैकेज बना रहा है और दोस्तों, इस वेपन पैकेज में एंटी रेडिएशन मिसाइल, ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल, S-3MK-1, S-3MK-2 और S-3MK-3 मिसाइल मुख्य हिस्सा होंगी। वहीं दोस्तों, कुछ महीनों पहले इंडियन एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया जी ने TSMK2 के बारे में कहा था कि TSMK2 राफेल फाइटर जेट को हर मामले में पीछे छोड़ देगा, क्योंकि दोस्तों, राफेल जेट को 1980 से बनाना शुरू किया था और दोस्तों, उस समय की टेक्नोलॉजी जो कि अब पुरानी हो चुकी है। हालांकि बाद में राफेल में कई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि टेलियोस टारगेटिंग पॉड, जो कि लॉन्ग रेंज तक ग्राउंड और एयर अटैक करने में सक्षम है। और दोस्तों, TSMK2 में या तो DRDO द्वारा डेवलप किए जाने वाले टारगेटिंग पॉड का इस्तेमाल किया जाएगा, वो समय से डेवलप हो गया था, या तो फिर इजरायली लाइटनिंग पॉड का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं दोस्तों, TSMK2 में एडवांस सेंसर DRDO द्वारा विकसित रडार का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि TS को राफेल के मुकाबले कई मामलों में बेहतर बना देगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आखिर तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।